देखो, ये जो आप पौधे देख रहे हैं ये मनी प्लांट के पौधे, और ये बहुत ही खूबसूरत लीव्स वाले पौधे हैं। इसमें फ्लावर तो आते नहीं हैं, लेकिन ये बहुत खूबसूरत देखने में लगता है। अब आपका गार्डन जो है वो छोटा हो या बड़ा हो, पौधे आपके पास बहुत ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन ये एक ऐसा पौधा है कि हर एक के पास मनी प्लांट ज़रूर होता है। मनी प्लांट जो है ये एक एयर प्योरीफाइंग प्लांट है, और ये जितने भी हार्मफुल गैसेस होती हैं और टॉक्सिन्स होते हैं उसको ये अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी हेल्थ अच्छी होती है। तो हेल्थ इज़ वेल्थ। तो ये जो है पौधा हमारे हमको क्योंकि एक सेहत की दौलत से मालामाल करता है, इसलिए इसका इसको मनी प्लांट कहते हैं। मनी प्लांट इस वजह से नहीं कहते कि ये मनी जो इससे हमें हासिल होती है, इसका असल में जो इसकी लॉजिक है वो ये है कि ये हमें सेहत हमारी अच्छी होती है और हमको बेनिफिट देती है, वेल्थ देती है हमें। तो लिहाजा ये इसका नाम मनी प्लांट रख दिया। वैसे पोथॉस कहते हैं इसे। अब ये बहुत इजी टू ग्रो है ये प्लांट, और लो मेंटेनेंस प्लांट है ये। अच्छा, ये प्लांट जो होता है ना वो सन लविंग प्लांट नहीं है। इसको धूप में जो है ये इसके पत्ते जो हैं जलने लगते हैं, मुरझाने लगते हैं, और ये सर्वाइव नहीं कर पाता। ये पौधा जो है वो शेड लविंग प्लांट है, यानी जहाँ छन के दिया तो धूप आ रही हो या ब्राइट लाइट हो, वहाँ पर ये पौधा जो है बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर सकता है। इसकी बहुत सारी वैरायटी हैं, इसकी तकरीबन 18 से 20 इसकी वैरायटी पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो कॉमनली देखते हैं ना वो दो चार ही इसकी वैरायटी होती है। और उनके नाम जो हैं, उन वैरायटीज़ के जो नाम हैं वो, एक तो कॉमन वैरायटी है इसकी, जैसे ये आप ये देख रहे हैं ना, ये कॉमन वैरायटी है इसकी। और इसके अलावा एक गोल्डन होती है। गोल्डन में क्या होता है, सारे पत्ते जो होते हैं ना वो बिल्कुल ग्रीन तकरीबन होते हैं, येलोइश ग्रीन होते हैं। और एक नंबर तीन जो इसकी वैरायटी है ना वो एंजो है पोथॉस। और एक चौथी जो इसकी वैरायटी है जो हम यहाँ देखते हैं आमतौर पर, ये मार्बल वैरायटी है इसकी पोथॉस की। तो यहाँ पर हम तीन चार ही वैरायटी देखते हैं, और लेकिन इसकी एक्चुअल वैरायटीज़ जो होती है ना जो वो तकरीबन 18 से 20 होती है। अब ये जो पौधा है ना, इसको लो लाइट की ज़रूरत, यानी सन लविंग प्लांट नहीं है, शेड लविंग प्लांट है। और ब्राइट लाइट में इसको रख सकते हैं, या फिर हम ऐसी जगह से रख सकते हैं जहाँ छन कर धूप आ रही हो, इसको डायरेक्ट धूप ना लग रही हो। और इसको हम कहीं, ये असल में पौधा जो है ना वर्सटाइल पौधा है, इसको आप कहीं भी रख सकते हैं। आप इसको टेरेस में रख लें, इसको आप हैंगिंग पॉट में रख लें, इसको आप रूम में रख लें, इसको आप किचन में रख लें, कहीं भी रख लें इसको आप, ये हर जगह अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। बस इसे लाइट मिलनी चाहिए बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अगर अंधेरा होगा तो ज़रा मुश्किल होगी, लेकिन इसको हम रूम में भी रख सकते हैं, और जहाँ कम लाइट होगी वहाँ भी ये चल जाता है। लेकिन उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि दो तीन दिन के बाद इसे ब्राइट लाइट में रखना पड़ेगा। एक तो बात ये हो गई इसकी, और इसको कहीं भी हम रख सकते हैं। अच्छा, ये मनी प्लांट जो है ना ये हाई फीडर प्लांट नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा ग़िज़ा की ज़रूरत नहीं होती, मीडियम ग़िज़ा की ज़रूरत होती है इसको, तो ये हाई फीडर प्लांट नहीं है। अब अगर हम इसकी सॉइल की बात करें ना कि सॉइल हमें कैसी लेनी चाहिए। अच्छा, इसको एक और बात यह है कि इसको हम दो तरीके से लगा सकते हैं इस पौधे को। एक तो हम लगा सकते हैं सॉइल में, जैसे कि ये सॉइल में लगी हुई है, और इसको पानी में भी लगा सकते हैं, क्योंकि सॉइल से इसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, पानी में भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो अगर हम इसे पानी में भी लगाते हैं ना तो पानी में भी ये बहुत अच्छी तरीके से चलता है, और इसमें इसको पौधे को न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं, और ये इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी होती रहती है। तो इसको पानी में भी हम लगा सकते हैं। अच्छा, इसको इसकी अगर हम सॉइल की बात करें ना, तो एक हिस्सा हम सैंड लेते हैं, एक हिस्सा हम गार्डन सॉइल लेते हैं, एक हिस्सा कंपोस्ट, और एक हिस्सा हम लेते हैं जनाब कोकोपीट। सैंड हम किस वजह से लेते हैं, सैंड हम इस वजह से लेते हैं कि ताकि ये मिट्टी को, सॉइल को पोरस बना दे, और उसमें जब हम पानी पौधे में डालें ना, गमले में पानी डालें, तो वो पोरस होने की वजह से, सॉइल पोरस होने की वजह से ड्रेनेज होल से
निकल जाए, उसमें ठहरने ना पाए पानी। दूसरी बात ये कि अगर हम कंपोज लेना, एक हिस्सा कंपोज दिया है, कंपोज बहुत कम है, लेकिन क्योंकि मैंने बताया ना ये हैवी फीडर प्लांट नहीं है, तो वन एक हिस्सा जो है वो कंपोज का बहुत काफ़ी है इसके लिए। और तीसरी जो चीज़ है वो है कोकोपीट। ये कोकोपीट का काम इसमें ये होता है कि ये मॉइस्चर को होल्ड करके रखता है और मॉइस्चर बना रहता है, यानी गमले के अंदर मॉइस्चर जो है बना रहता है, तो ये अच्छी तरीके से ये ग्रो करता रहता है पौधा। और ये बहुत ही लो मेंटेनेंस पौधा है। अच्छा, ये जो है ना, ये इसको मॉइस्चर की बहुत ज़रूरत होती है, और इसको ये जो पौधा है ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट है, मॉइस्चर लविंग प्लांट है। तो हम अगर इसको ऐसी जगह रखें जहाँ इसको ह्यूमिडिटी मिले और इसको जनाब मॉइस्चर इसका सही बना रहे, तो ये पौधा जो है बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है। देख रहे हैं आप ये पौधे कितने अच्छे लग रहे हैं। और इसमें अगर हम, ये तो हो गई सॉइल की बात, अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें ना, फर्टिलाइज़र के लिए हमें क्या इसको देना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया कि ये हैवी फीडर प्लांट नहीं है, 3-4 महीने के बाद इसमें आप थोड़ा सा कंपोस्ट डाल सकते हैं, इसमें इसको वीड एक्सट्रैक्ट लिक्विड फॉर्म में दे सकते हैं, और इसके अलावा इसको हम क्या दे सकते हैं, नीम खली और बोन मील का एक एक चमचा एक पौधे में डाल सकते हैं 4 महीने के बाद। सही है, 3-4 महीने के बाद आप ये इसको दे सकते हैं, तो ये अच्छी तरीके से चलता रहेगा। सीवीड एक्सट्रैक्ट डालने से इसको बहुत फ़ायदा पहुंचता है। इसके अलावा, अच्छा, फर्टिलाइज़र की जो हम बात कर रहे हैं ना, इसको 2 फर्टिलाइज़र ऐसे हैं वो अगर हम दें तो इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। कौन कौन से 2 फर्टिलाइज़र हैं? नंबर 1 जो है वो है मिल्क। अगर हम 2 चमचे पानी जो है मिल्क जो है 2 चमचे मिल्क के लेके अगर हम वो 1 लीटर पानी में डिसॉल्व करके और थोड़ा थोड़ा सा इसको दे दें, तो ये फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा है इसके लिए, मनी प्लांट के लिए। इसके अलावा एक और भी फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा है, वो है चाय की पत्ती। आधा चमचा चाय की पत्ती अगर हम लेकर 1 गिलास पानी में 24 घंटे के लिए रख दें और उसको छान कर उसका पानी इसको दें, तो वो भी इसके लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र होगा। तो ये 2 फर्टिलाइज़र बहुत अच्छे हैं इसके लिए। कंपोस्ट तो आप दे सकते हैं 4 महीने के बाद, लेकिन ये जो मैं आपको बता रही हूँ मिल्क और टी, ये 2 बहुत अच्छे फर्टिलाइज़र हैं, लिक्विड फॉर्म में देने चाहिए इसे, और इससे इसकी ग्रोथ जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। अच्छा, अब हम अगर इसकी वाटरिंग की बात करें ना, तो पानी जो है इसको पानी कम तो देना चाहिए, लेकिन इतना कम भी नहीं देना चाहिए कि वो 4 दिन के बाद हम पानी दे रहे हैं वो पौधा ही मर जाए, ये ऐसा नहीं है। इसमें ये करना है हमें कि जब हम देखते हैं कि पौधा जो है तकरीबन उसकी 1/2 इंच मट्टी जो है ड्राई हो गई है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, उसे पानी देना चाहिए। लेकिन जब हम पानी दे रहा हूँ किसी भी पौधे के लिए, ये तो कि जब हम इसको पानी दे रहा हूँ तो इसको भरपूर पानी दें, यहाँ तक कि वो नीचे ड्रेनेज होल जो है उससे वो पानी बाहर निकल जाए। तो उसका मतलब ये होता है कि इसकी जो जड़ें होती हैं ना वो नीचे तक होती हैं। अगर हम पानी कम देंगे तो वो ऊपर ऊपर पानी रहेगा और इसकी जड़ों तक पानी नहीं पहुंच पाएगा। जब पानी नीचे तक नहीं जाएगा तो वो पौधा कैसे सर्वाइव करेगा? सर्वाइव तो कर लेगा खैर, लेकिन उसकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होगी। तो लिहाजा हमें क्या करना चाहिए कि हमें इसे पानी जो है बहुत अच्छे तरीके से देना चाहिए जब पानी दे रहा हूँ, और वो इतना पानी देना चाहिए कि नीचे जड़ों तक पहुँच जाए, ताकि सारे जो पौधा पूरा ऊपर पत्ते हैं इसकी शाखें हैं ब्रांचेज हैं उन सबको पानी मिले और वो अच्छी तरह से ग्रोथ कर सकें। तो पानी की ये बात हो गई, और ये ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट है। और एक और बात इसकी ये है कि अगर इसके कोई पत्ते जो होते हैं ना येलो हो जाते हैं, अक्सर होता है पौधों के साथ कि पौधों के जो पौधे जो हैं उसमें येलो होने लगते हैं, तो कोई बात नहीं है, उसमें घबराने की कोई बात नहीं होती। आप अगर इसमें किसी भी पौधे में या मनी प्लांट में अगर कोई पत्ता येलो हो रहा है तो उसको फौरी तौर पर आप निकाल के फेंक दें। क्यों इसके इसलिए कि वो तवानाई को ले रहा होता है, पत्ता जो पीला हो चुका होता है और दूसरे पौधों के लिए दूसरे पत्तों के लिए उसकी एनर्जी कम हो जाती है। तो लिहाजा जब फेंक देंगे तोड़कर पत्ते जितने भी
येलो पत्ते फेंक देंगे तो उसकी एनर्जी जो है, जो पत्ते सही हैं ग्रीन हैं उनको और ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और पौधा अच्छी तरह से ग्रो करेगा। अब ये भी बात हो गई। अच्छा, इसमें ना बहुत कम इंसेक्ट्स लगते हैं, कोई भी पेस्ट जो है वो बहुत कम लगते हैं इस पौधे को। अगर कभी ऐसा होता है कि पौधे को पेस्ट लग जाए तो नीम ऑयल का स्प्रे सबसे अच्छा होता है, या आप ऐसा करें एहतियात के तौर पर इसे हर महीने इस पे नीम ऑयल का स्प्रे करते रहे, तो उससे क्या होगा कि ये पेस्ट से महफूज रहेगा। यानी आप एक चमचा और नीम ऑयल का लेके एक लीटर पानी में डिजोल्व करके उसका स्प्रे सारे पौधों में कर दें तो उससे ये पेस्ट से महफूज रहेगा। तो ये पौधा जो है देखने में बहुत अच्छा लगता है और इससे आपकी हेल्थ अच्छी होती है, क्योंकि टॉक्सिन को अपने अंदर जज्ब कर लेता है और आपको हेल्थ देता है। तो हेल्थ इज वेल्थ, तो इसलिए इसे मनी प्लांट कहते हैं। ये कोई इससे पैसे वैसे कोई नहीं आते, ये तो अपनी मेहनत से ही पैसा इंसान हासिल करता है। तो इसको मैंने बताया ना आपको, कई तरीके से हम लगा सकते हैं। आप स्टिक पे भी लगा सकते हैं, देखें फॉइल लगी है ना, इस पे स्टिक पे भी चढ़ा सकते हैं इसे, और ऐसे भी ये जो गमले के अंदर लगा इसमें भी लगा सकते हैं, पॉट में भी लगा हुआ है। देखें अगर आपको नज़र आ रहा, मैं करीब से दिखा देती हूँ, पॉट में भी लगा हुआ है, ये देखें पॉट में भी मैंने लगाया, हैंगिंग पॉट में भी लगा सकते, हर तरह से आप इसको लगा सकते। इसी वजह से ये पौधा जो है वो बहुत अच्छा पौधा लगता है और देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, और आप भी अपने घर में लगाइए और आप इससे अपनी हेल्थ को अच्छा करें, अच्छा रखें हेल्थ को। अल्लाह हाफिज़।